नमस्कार गाइस, मैं हूं आपके साथ पूजा हिमस्टार पर एक बार फिर हूं आपके साथ। आज मैं आई हूं धर्मशाला के शीश मार्ग पार्क में। बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे आके, अच्छा वेदर है। सुबह के टाइम पे तो थोड़ा बादल बादल थे, मैंने सोचा पूरी बारिश लगी होगी, जैकेट वैकेट लेके आई थी अपने साथ, लेकिन अभी एकदम धूप लग रही है, अच्छा मौसम है। यहाँ पे काफी फैमिलीज घूमने आ रही है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा लगा उन्हें यहाँ पे आके। आइए मेरे। जी सर, आपका नाम? कृष्ण कुमार। कहाँ से आए सर? गुजरात। सर, वहाँ के मौसम और यहाँ के मौसम में क्या मतलब क्या फर्क है? यहाँ स्वर्ग जैसा लग रहा है। स्वर्ग में आ गए हो? जी सर, आपका नाम? अमृत। आपका नाम है? कहाँ से हो मैम आप? अहमदाबाद, गुजरात। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यहाँ सर स्वर्ग जैसा लग रहा है, स्वर्ग में आ गया। जी सर, आपका नाम? जितेंद्र कटारिया। नाम? कहाँ से हैं? घूमने आए सर यहाँ पे, फैमिली के साथ आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ के मौसम और यहाँ के मौसम में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहाँ कोल्ड और सूखा ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ सर आपका नाम? मेरा नाम है सुरेश गायकवाड़। जी, आपका नाम? मानसी गायकवाड़। कहाँ से हो सर आप? हम लोग महाराष्ट्र से और मुंबई में रहते हैं। जी, घूमने आए सर यहाँ पे? यस। फैमिली के साथ? कैसा लग रहा है यहाँ पे? एकदम बढ़िया, एकदम। वहाँ के वेदर और यहाँ के वेदर में क्या डिफरेंस है? काफी डिफरेंस है। मुंबई में इतना टेम्परेचर नहीं होता, कम टेम्परेचर नहीं होता है। मुंबई में आज इस वक्त 32 डिग्री रहा होगा और यहाँ 3 डिग्री है। अभी कहाँ घूमे आप? सबसे अच्छा कौन सी जगह लगी आपको? मनाली। मनाली अच्छी लगी। जी सर, आपका नाम? माय नेम इज प्रताप। कहाँ से? अहमदाबाद। जी सर, यहाँ पे फर्स्ट टाइम घूमने आयो? हाँ, फर्स्ट टाइम। फैमिली के साथ कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। सर आपका नाम? पाविन प्रजापति। आपका नाम? राजेश कुमार। कहाँ से हो आप दोनों? अहमदाबाद, गुजरात से। नरेंद्र मोदी। घूमने आए हो सर यहाँ पे? हाँ, यहाँ घूमने आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। वहाँ के मौसम और यहाँ के मौसम में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मतलब वहाँ गर्मी है? वहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। आपको कैसा फील हो रहा है सर? और अभी कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है? अभी तो आगे देला से आगे शिमला कुल्लू मनाली सब घूम के आए। फैमिली के साथ आए? पूरे टोटल 35 लोग आए। फर्स्ट टाइम आए हो कि इससे पहले? फर्स्ट टाइम आए सब लोग। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कुछ मजा आ रहा है घूमने में। मजा आ रहा है। कैसा है हिमाचल घूमने में? बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है घूमने। पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है यहाँ के अकॉर्डिंग। वहाँ ज्यादा पॉल्यूशन होता है? बहुत पॉल्यूशन होता है। अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर आपके साथ? यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, इतनी ठंड मैंने कभी महसूस नहीं की थी। पहली बार इतनी ठंड महसूस कर रहा हूँ। बहुत है ना, बहुत ही ठंड। डेलाउजी में तो 3 डिग्री सेल्सियस था। और मैंने ये भी सुना है कि मतलब बोलते हैं कि औरत जो होती है वो ज्यादा डिमांडिंग होती है, उसकी मतलब शॉपिंग ये कभी खत्म नहीं होता। क्या मैम साथ ही ऐसा ही होती है? सही बात है मैम, हम डिमांड नहीं करेंगे तो इसकी जेब भरी रहेगी। हर डिमांड पूरी होती है मैम आपकी? हर तो नहीं, लेकिन मैम एक सिंगल लाइफ अच्छी होती है कि मैरिड के बाद? दोनों ही अच्छी होती है। ओके, तो आप मतलब कोई ऐसी बात है जो आपको हस्बैंड की अच्छी नहीं लगती? सारी बात क्या बोलते हैं, ज्यादा लेडीज झूठ बोलती है या जेंट्स झूठ बोलते हैं? दोनों झूठ तो बोलते ही, तभी दुनिया चलती है। दोनों झूठ बोलते हैं। डिमांडिंग कौन होता है ज्यादा? जेंट्स का ही रहता है। जेंट्स ज्यादा डिमांडिंग होता है कोई आपकी? यहाँ के मौसम के हिसाब से जेंट्स ज्यादा डिमांड रहते हैं। ओके, आपकी वाइफ की कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है? वो प्यार ज्यादा करती है। सच बोल रहा हूं। रोमांटिक? दोनों मैरिड हो? यस यस, मैरिड हैं। आपको क्या लगता है मैरिड लाइफ अच्छी होती है या मैरिड लाइफ मेरे लिए मैरिड लाइफ अच्छी है? कैसा मतलब कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर? एक्सपीरियंस यानी कैसा एक्सपीरियंस? जैसे मतलब कभी आपने झूठ बोला और आपकी वाइफ ने आपको पकड़ लिया हो, देन आगे से क्या रिस्पॉन्स? नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, झूठ तो कभी नहीं बोलते हम, और झूठ बोलते तो शाम को बता देते कि भाई आज मैंने झूठ बोला था। मतलब आपका कहना है आप मात्र ऐसे इंसान हो जो कभी झूठ नहीं बोलते हो? नहीं नहीं, बोलते ना भाई। आप बोलते हो सर झूठ रोज? मिसेस से कितना झूठ बोलते हैं सर? अरे ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया, क्योंकि हम बैचलर हैं, ऐसा बात है। अच्छा, ओके। और कोई अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सर? जो आपको ऐसे लगता हो कि सबसे अच्छा और मतलब जो आप कभी यादगार रहा हो आपका? जिस दिन हमारी शादी हुई थी 20 मई को, वो हमारी लाइफ में सबसे अच्छे अनुभव है। और तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन वो सबसे बड़ा अनुभव है। जी मैम, आपकी लाइफ में ऐसा तो
एक्सपीरियंस बहुत है ऐसा, जैसे इन्होंने बोला शादी होने के बाद जो बैचलर लाइफ है और मैरिड लाइफ जो है वो जो एक सपोर्टिव और जो एक दूसरे की चाहत से जो लाइफ है वो सबसे बढ़िया है शादी। हस्बैंड को तो रात को डिमांड होती ही है। मैम आप बताएंगे इस बारे में कुछ, ये कह रहे हैं कि आइए मैम आइए आइए आइए, इनका कहना है कि हस्बैंड ज्यादा डिमांडिंग होते, कितनी मतलब सच्चाई है इनकी बात? सही बोल रहे, मतलब लेडीज की कोई डिमांड नहीं, लेडीज बेचारी क्या करे, बच्चों को संभाले, घर पर संभाले और क्या संभाले, डिमांड क्या है दे रही बोल रही तो कोई नहीं है लवली डिमांड है हाँ डिमांड पूरी हो बस वही डिमांड हमारी होती है। कोई ऐसी बात जो बुरी लगती हो आपको, गुस्सा आता हो कि नहीं ये बात नहीं, ये बंदा टाइम पे नहीं निकलता, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट जी सर आपकी, इसकी कोई ऐसी बात जो अच्छी लगती है? अच्छा घर संभाला संभाल लेती है, कोई ऐसी बात जिसमें आपको ऐसा लगता है? डांटती रहती है, कभी लेट हुआ डांटते हो आप सर को? अभी हमने बताया वीक पॉइंट क्या है तो डांटेंगे। आपको कोई अपने हस्बैंड की जो बात हो सबसे अच्छी लगती है? तो अच्छे ही लगते हैं, पूरे ही अच्छे लगते हैं। और कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, जो ऐसा लगता हो कि नहीं यार ये बात थोड़ी सी मतलब है कि नहीं होनी चाहिए? मैं मना कर वो बात करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो सबसे ज्यादा क्या लड़ाई होती है? सो जाते और कुछ ऐसा होता है? कितने दिन बात नहीं होती है? दस आधा घंटा और कुछ। ज्यादा लड़ाई किस बात के लिए होती है? भाई भाई अभी अभी तुम लड़ाई तो नहीं करोगे? हेलो दोस्तों आई एम बैक, बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको भी दिखाया कैसे हमने लोगों से बात की, उनके विचार जाने, ज्यादातर आज हम फैमिली से मिले, उनके विचारों के बारे में जाना, लोगों से ये जाना कि कैसा उनको अच्छा लगता है फैमिली के साथ वो घूमे, यहाँ पे धर्मशाला में आए, कितना अच्छा लगा, हर एक बात शेयर की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया उनसे बात करके, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा, उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिमस्टार मेरे चैनल का नाम, जय हिंद जय भारत।